प्लास्टिक समस्या विकराल होती जा रही है और प्लास्टिक के निपटारे के लिए देश भर में अभियान छेड़ा गया है। हमीरपुर के वाद स्कूल में चल रहे जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में सीनियर सेकेंडरी स्कूल जंदरू के बाल वैज्ञानिक ने प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए प्लास्टिक मुक्ति धाम नाम से मॉडल तैयार किया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। बाल विज्ञान सम्मेलन में पहुंचे सैकड़ों मॉडलों में से प्लास्टिक मुक्ति धाम मॉडल अनोखा है। प्लास्टिक समस्या विकराल होती जा रही है और प्लास्टिक के निपटारे के लिए देश भर में अभियान छेड़ा गया है। हमीरपुर के बाल स्कूल में चल रहे जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में सीनियर सेकेंडरी स्कूल जंदरू के बाल वैज्ञानिक ने प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए प्लास्टिक मुक्ति धाम नाम से मॉडल तैयार किया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। बाल विज्ञान सम्मेलन में पहुंचे सैकड़ों मॉडलों में से प्लास्टिक मुक्ति धाम मॉडल अनदेखा है। आपको बता दें कि बाल विज्ञान विशाल कुमार के द्वारा तैयार किए गए मॉडल का प्रारूप शमशान घाट की तरह है, जिसमें प्लास्टिक पिघलकर दो पाइपों के माध्यम से पहुंचेगा। इस तरह के मॉडल में प्लास्टिक को पिघलाकर किसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विशाल कुमार ने बताया कि प्लास्टिक की समस्या से छुटकारा पाने के लिए मॉडल तैयार किया है। उन्होंने बताया कि गांव में किसी की मृत्यु होने पर शमशान घाट को देखकर दिमाग में ऐसा मॉडल बनाने का आइडिया आया, जिससे न केवल प्लास्टिक से मुक्ति मिल सकेगी जबकि इस तरह से बिजली भी तैयार की जा सकेगी। विशाल कुमार है, मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जंदरू है और मैंने ये मॉडल बनाया है, इसका नाम प्लास्टिक मुक्ति धाम है। मुझे एक्चुअल में आइडिया तब आया तब स्कूल में कचरे को इकट्ठा करने के लिए एक योजना चलाई है सरकार ने, वो इकट्ठा करना था उस दिन, तो हमारे स्कूल में अभी 13 बोरियाँ इकट्ठी की और उसे पंचायत घर तक ले जाना बहुत ही मुश्किल हुआ क्योंकि उसने वहाँ पर बहुत सारी जगह घेरी। तब से मेरे मन में आइडिया आया था कि इस आकार को छोटा किया, इसके प्लास्टिक के आकार को छोटा किया जा सके। इसके लिए हमारे गाँव में मेरे दादाजी लगते थे ऐसे रिश्ते में, वो मर गए उस दिन और मैं भी वहाँ शमशान गृह में गया, तब वो उनकी डेड बॉडी को जलाया गया, तब बहुत सारी ऊर्जा व्यर्थ जा रही थी। हमने व्यर्थ जाने फिर मेरे दिमाग में एक और आइडिया है कि इस ऊर्जा का इस्तेमाल भी किया जाए और प्लास्टिक के आकार को छोटा किया जा सके, इसलिए फिर मैंने सोच समझ के ये मॉडल बनाया है जिसमें दो बॉक्स बनाए गए हैं, एक उपले बॉक्स में जब भी कोई चिता जाएगी ऊपर प्लास्टिक पहले से भर दिया जाएगा और वो पिघल के नीचे आ जाएगा निचले बॉक्स में और उसे हम अपने अनुसार सांचे में बदल सकते हैं, इसके भविष्य में भी उपयोग किए जा सकते हैं, इसे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकते हैं। इसके लिए वाली तरह आंतरिक दीवारें अलग अलग धातु की बनानी पड़ेंगी, जिसके लिए हमें अधिक तापमान वाली धातु के लिए हमें प्लेटिनम एंड रोडियम की धातु की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि आयरन जो होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है, इसलिए हमें अधिक तापमान के लिए रोडियम और प्लेटिनम की धातु की आवश्यकता पड़ेगी और इसे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती है। 9th क्लास। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्विनी चंबाल ने बाल विज्ञान विशाल कुमार के मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए मॉडल बेहतर है और इससे फायदा होने की उम्मीद है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। आजकल की जो समस्या थी हमारी प्रदूषण की और जो हम जीरो प्लास्टिक की बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक का सिंगल यूज भी नहीं होना चाहिए, तो उस संबंध में इसका जो निष्पादन था प्लास्टिक का, तो एक बहुत अच्छी विधि के द्वारा हमारे पास जो वेस्टेज ऊर्जा होती है जब भी चिता जलाई जाती है गाँव के अंदर, तो उसमें जब ये प्लास्टिक पिघल के उसको इकट्ठा किया जा सकता है, एक तो तरफ इसका जो कैरेज बच जाएगा क्योंकि इसका जो वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, इसको हम काफ़ी हद तक इसको हम कम कर सकते हैं और उसके बाद इसका जब प्लास्टिक को पिघला कर किसी भी सांचे में इसको जब उतार लेंगे तो कहीं भी लिया जा सकता है और फर्दर जो इसका रीयूज है और रिसाइकिलिंग जिसको कहते हैं वो किया जा सकती है। तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है कि जो प्लास्टिक की समस्या थी निष्पादन की और उसको आगे भी ले जाने की और रिसाइकिलिंग की, इससे वो हल हो सकती है और जो ऊर्जा का एक सही उपयोग भी हो सकता है, जो वेस्ट टू वेल्थ की हम बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक विकल्प है।